दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सप्लाइटेक्स एंड इन्फॉर्मेशन में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे MSVT का लेटेस्ट अपडेट क्या होगा। तो दोस्तों, और आपका एग्जाम कब तक कंडक्ट करा जा सकता है, आपके टाइम टेबल कब आएंगे, ये तो सारी चीज़ें अभी तक चलती आ रही थी। तो आप लोगों को पता होगा कि कल महाराष्ट्र के CM ने घोषणा कर दिया कि वहाँ पर लॉकडाउन 30 अप्रैल तक रहेगा, और लॉकडाउन का यही मतलब होता है कि आपका आपका एग्जाम नहीं हो पाएगा उस टाइम। ठीक है दोस्तों, और क्या आगे की रणनीति होगी उस बारे में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट आपके MSVT की तरफ से जो भी आएगा आपको सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि MSVT का आगे का रणनीति क्या होगा। तो दोस्तों, रणनीति मतलब समझ लेते हैं हम लोग क्या हो सकता है। तो अभी आप लोगों को बता दूँ कि यूपी में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, या आपके जैसे BTEC और AKTY जैसे संस्थान हैं, जो चलती हैं कक्षाएं हैं, वो सब ऑनलाइन एग्ज़ाम की तैयारी में लग चुके हैं। मतलब वो अपना एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन कराने के मूड में अब दिख रहे हैं, लगातार तैयारी चल रही। तो ऐसा आपके यहाँ भी हो सकता है, MSVT वालों को भी हो सकता है कि आप लोगों को ऑनलाइन कंडक्ट कराया जा सके, ये भी हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि 30 अप्रैल के बाद आपका एग्ज़ाम को कराएं। और जहाँ तक कि आपके जहाँ तक सवाल है, तो मेरे ख्याल से आपका एग्ज़ाम 30 अप्रैल के बाद ही कराया जाएगा, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, क्योंकि उस पर सिस्टम पे थोड़ा व्यवस्था करना पड़ेगा, उसके बाद ही एग्ज़ाम कराया जाएगा। तो दोस्तों, जो भी रहेगा आपको टाइम टेबल मिल जाएगा, और जैसे ही टाइम टेबल MSVT अपलोड करेगा, और मैं आपको सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से सारी विषय का अपडेट देता रहूँगा कि कौन सा विषय कब है, क्या है, कैसे है, तो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, और जैसे भी कोई अपडेट आती है तो आप लोगों को इन्फॉर्म किया जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ।